6 का सेकंड चैप्टर मैप इस वीडियो में कवर करेंगे। ग्लोब, तो ग्लोब क्या है बच्चों? ये हमारी अर्थ का एक मॉडल है स्मॉल स्केल पर। द शेप्स ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस आर क्वाइट प्रिसाइज ऑन द ग्लोब। देयर साइजेस आर शोन ऑन अ रिड्यूस्ड स्केल। इनकी जो साइज है वो रिड्यूस स्केल पर दिखाए जाते हैं। आपको पता ही है क्योंकि हमारी अर्थ बहुत बड़ी है, उसे ग्लोब में कन्वर्ट करना या ग्लोब में रिप्रेजेंट करना इतना आसान तो है नहीं, इसलिए हम एक रिड्यूस्ड स्केल लेते हैं। बट द डिटेल्स लाइक स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस ऑफ अ कंट्री कैन नॉट बी शोन ऑन अ ग्लोब। टाउन्स और विलेजेस को आप कंट्री पर शो नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारी अर्थ पर इतने बड़े बड़े लैंड मासेस हैं, वाटर बॉडीज हैं, कुछ आइलैंड्स हैं, इस वजह से हम सिर्फ कॉन्टिनेंट्स या कंट्रीज को शो करते हैं या कुछ वाटर बॉडी को। देखिए बच्चों, ये हमारी अर्थ है। इस अर्थ पर ये देखिए जो आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, ये ब्लू कलर है वाटर बॉडीज। जैसे कि ये हमारा इंडियन ओशियन है, ये हमारा अटलांटिक ओशियन है, और ये बड़ा सा लैंड मास यानी कि ये कॉन्टिनेंट है। ओके, और अच्छा ये जो लाइन है वो क्या है बच्चों? इस लाइन को बोलते हैं इक्वेटर। ये वो लाइन होती है बच्चों जो हमारे पूरे अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब क्योंकि ये लाइन इस पूरी अर्थ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, तो जो पार्ट ऊपर आएगा नॉर्थ डायरेक्शन में उसे हम बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो पार्ट साउथ डायरेक्शन में आएगा उसे हम बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। ओके मैम, अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ द होल अर्थ और पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट शीट ऑफ पेपर। जो हम ग्लोब पर पढ़ते हैं, अगर उसी मैप को हम बीच से कट कर दें एंड देन एक पेपर में उसे कन्वर्ट करें, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैप बोलेंगे। Since on maps the curved surface of the earth is represented on a flat surface, आपको पता ही है कि हमारी अर्थ का जो curved surface है, अगर आप उसे किसी plain paper पर show करोगे तो problem आएगी। A round shape cannot be flattened completely. किसी भी round shape को आप पूरी तरीके से flat तो नहीं कर सकते हो। क्यों? जैसे आप एक example लीजिएगा, एक ball लीजिएगा, उस पर एक plain paper को wrap करने की कोशिश कीजिएगा, तो उसमें बहुत सारी आपको सिलवटें दिखाई देंगी। ओके, व्हेन वी ट्राई टू शो पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस द शेप्स एंड साइजेस ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस गेट डिस्टॉर्टेड। जब आप कोशिश करेंगे को ये वर्ल्ड के किसी भी पार्ट को आप फ्लैट सरफेस पर शो करेंगे, तो उसकी शेप और साइज जो है कॉन्टिनेंट्स या ओशियंस के डिस्टॉर्टेड हो जाएंगे, इनका रूप खराब हो जाएगा। द मैक्सिमम डिस्टॉर्शन इज सीन इन द रीजंस अराउंड द पोल। ज्यादातर आपको डिस्टोर्शन कहाँ दिखेगा? पोल्स की तरफ, या तो ऊपर से कुड़न आएगी या फिर नीचे से कुड़न दिखाई देगी आपको। मैप्स आर ऑफ वेरियस काइंड। मैप्स हमारे काफी टाइप के होते हैं, जिसमें कि पहला है हमारा फिजिकल मैप। फिजिकल मैप वो मैप होता है बच्चों जिसमें हम अपने अर्थ पर पाए जाने वाले नेचुरल फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स, ये सब। ओके, पॉलिटिकल मैप क्या होते हैं बच्चों? ये वो मैप होते हैं जो हमारी कंट्री से किसी और कंट्री की बाउंड्री बताएंगे, या फिर हमारी कंट्री के किसी स्टेट की किसी अदर कंट्री से बाउंड्री के बारे में बताएंगे। तो द लोकेशन ऑफ सिटीज एंड टाउन, और ये टाउन्स और सिटीज की भी लोकेशन शो करते हैं। थीमेटिक मैप्स शो टाइप ऑफ सॉइल, फॉरेस्ट एरिया, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज एंड सो ऑन। तो आप थीमेटिक मैप्स पे क्या क्या शो कर सकते हो? फॉरेस्ट एरिया, टाइप्स ऑफ सॉइल, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज। सच मैप्स व्हिच आर बेस्ड ऑन अ थीम और अ टॉपिक आर कॉल्ड थीमेटिक मैप्स। वो मैप जो किसी थीम या टॉपिक पर बेस्ड होते हैं उन्हें आप थीमेटिक मैप्स बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा इंडिया है और इस मैप की जो थीम है वो क्या है? एनुअल रेनफॉल। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स में जो आपको कलर्स दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर, येलो, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, ब्लू, तो ये कलर कुछ रिप्रेजेंट करेंगे इस मैप के बारे में। जैसे कि अंडर 20 मतलब 20 सेंटीमीटर से कम जहां बारिश हो रही है वो कहां पर है? ये येलो कलर, ये रहा राजस्थान में। इसी तरीके से 250 से ज्यादा बारिश किधर हो रही है? डार्क ग्रीन कलर किधर है? यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा बारिश होगी, या सिक्किम में सबसे ज्यादा बारिश होगी।
तो इससे इस थीम से हमें पता चलता है कि हमारी पूरी इंडिया में कहाँ कहाँ पर बारिश ज्यादा या फिर कम होती है। ये हमारा इंडिया है, आपको बताइए, उत्तर प्रदेश ये स्टेट है, उत्तराखंड, बिहार, तो इसके पास में ये कौन सी कंट्री है? नेपाल। तो ये बाउंड्री तो बना रहा है, उत्तर प्रदेश के साथ नेपाल बना रहा है, बिहार के साथ भी नेपाल बाउंड्री बना रहा है, और उत्तराखंड के साथ भी। इस तरीके से चाइना भी बाउंड्री बना रहा है हमारी कंट्री के साथ, जैसे कि लद्दाख के साथ या फिर हिमाचल प्रदेश के साथ। ओके, ये है हमारा फिजिकल मैप। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ नेचुरल फीचर्स दिखाए गए हैं, जैसे कि यहाँ देखिए हिमालयाज माउंटेन। आपको पता है ना माउंटेन क्या है? नेचुरल फीचर्स हैं। यहाँ थार डेजर्ट, ओके, यहाँ वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, यहाँ डेकिन प्लेट्यू, यहाँ कुछ आइलैंड्स। तो ये हमारे हमारे नेचुरल फीचर्स हैं जो कि हम फिजिकल मैप पे पढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ मैप मेकिंग। द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। एक वो साइंस जिसमें हम मैप बनाने के बारे में पढ़ते हैं, उस साइंस को आप क्या कहेंगे? कार्टोग्राफी। इट वाज टोल्ड मी, जो कि एक ज्योग्राफर थे, इजिप्ट से बिलोंग करते थे, रिप्रेजेंटेड अर्थ एज अ स्फेयर। यही वो पहले पर्सन है जिन्होंने ये कहा था कि हमारी अर्थ जो है वो स्फेयर है। ही इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी, इन्हें कार्टोग्राफी का फादर भी कहा जाता है। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टू मार्क द नॉर्थ लाइन ऑन अ मैप। ये वो फर्स्ट पर्सन भी हैं जिन्होंने मैप पर नॉर्थ लाइन को रिप्रेजेंट किया था। अब फिर ऑल मैप्स आर पुट टुगेदर इज कॉल्ड एन एटलस। वो बुक जिसमें हम सिर्फ मैप्स पढ़ते हैं, उस बुक को आप क्या कहेंगे? एटलस। ये बच्चों, इसका अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।